तत्वार्थ रामायण में अत्रेय अनसुईया परमात्मा श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी तथा लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर्वत के ऊपर थोड़े समय रहे। अनेक ऋषि मुनि वहां सत्संग के लिए आते थे। आसपास के नगरवासी भी प्रभु के दर्शन के लिए आया करते थे। श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि यहाँ मैं रहता हूँ तो बहुत लोग आते हैं, और इसी से श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट छोड़ करके आगे जाने का निश्चय किया। चित्रकूट का त्याग करके प्रभु आगे चले। चित्रकूट के महान संत अत्रि ऋषि थे। अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रभु पधारे। ये जीव बहुत लायक हो तभी परमात्मा इनके पास आते हैं, बिना आमंत्रण के आते हैं। साधारण जीव ईश्वर को आमंत्रण नहीं दे सकता। थोड़ा विचार करो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं उन परमात्मा को कौन आमंत्रण दे सकता है कि तुम मेरे घर आओ? अरे राजा को तुम आमंत्रण दोगे तो वह तुम्हारे घर आएगा? नहीं आएगा। एक मनुष्य जैसा राजा ना आए तो परमात्मा तो कैसे आ सकते हैं? परंतु यह जीव पवित्र जीवन बताए, यह जीव लायक बने, तब भगवान कृपा करके बगैर आमंत्रण के उसके घर आते। परमात्मा श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र दुर्योधन ने स्वयं के राजमहल में पधारने का आमंत्रण दिया, परंतु श्री कृष्ण वहां नहीं गए। वे तो बगैर आमंत्रण के विदुर जी की झोंपड़ी में गए हैं। विदुर जी के जैसा, अत्रि ऋषि के जैसा जीवन बिताओगे तो भगवान आपके घर आएंगे। सच्चे वैष्णव को जिस प्रकार ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुरता होती है, उसी प्रकार भगवान भी स्वयं के प्यारे भक्तों के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। संत तुकाराम के चित्र में कथा आती है, पंडरपुर में भगवान जी के दर्शनों के लिए इतनी अधिक भीड़ होती है कि सुबह के गए हुए मनुष्यों को संध्या समय तक विट्ठलनाथ जी की झांकी मिल पाती। एक समय लक्ष्मी जी ने भगवान जी से पूछा कि इतने अधिक भक्त आपके दर्शनों के लिए आए हैं, फिर भी आप उदास क्यों हो? प्रभु जी ने कहा, ये सब तो स्वार्थी एकत्रित हुए हैं। ये सब मुझे देखने आए हैं, परंतु जिनके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वे अभी तक नहीं है। लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रभु से पूछा, ऐसा कौन है जिनके दर्शन की आपको इच्छा हो रही है? तो प्रभु ने कहा, मेरा तुक्का मुझे देख पड़ता नहीं है। तुकाराम को उस दिन बुखार आ गया था, शैया पर पड़े पड़े बिठोवा को याद करते हुए तुकाराम मन में विचारते थे, मुझे बुखार आया हुआ है, आज बिठोवा के दर्शन करने जा सकूंगा नहीं, प्रभु के दर्शन के बिना दिन चला जाएगा, मेरे विट्ठलनाथ जी मेरे घर क्या दर्शन देने नहीं आएंगे? वहां भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान जी को आतुरता बढ़ी। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, ये सब मेरे लिए नहीं आए हैं, एक तुक्काराम ही मेरे लिए आता है, ज्वर के कारण मैं आज आ नहीं सकता, चलो मैं ही उसके यहाँ चलूँ। हजारों वैष्णव पंडरपुर में विट्ठलनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए थे और परमात्मा पधारे थे तुक्काराम के यहाँ। भगवान शिव जी पार्वती माँ को श्री राम कथा सुनाते हैं। अत्रि ऋषि श्री राम के पास आए, ऐसा रामायण में नहीं लिखा। रघुनाथ जी स्वयं अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारे। मंदाकिनी के किनारे अत्रि ऋषि विराजते थे। अत्रि ऋषि का आश्रम भी चित्रकूट में है। श्री राम लक्ष्मण जानकी वहीं पर पधारे। ऋषि दंपति की तपश्चर्या दिव्य थी। अत्रि शब्द का थोड़ा विचार करो, अ जमा त्रि अत्रि, जो तीनों गुणों का उल्लंघन कर निर्गुण परमात्मा के साथ
मन से संबंध जोड़ करके रखे उसे ही अत्रि कहते हैं। परमात्मा में शरीर से मिलना संभव नहीं। मनुष्य का शरीर तो विष्ठा मूत्र से भरा अमंगल है। इसे शरीर जैसी मलिन वस्तु दूसरी कोई नहीं। ये शरीर गंदा है, इससे सतत दुर्गंध निकलती है। शरीर का बीज अपवित्र है। देवता अपने शरीर से दूर दूर खड़े रहते हैं। इस शरीर से ब्रह्म संबंध हो सकता नहीं। ब्रह्म संबंध मन से करना पड़ता है। शरीर से परमात्मा को मिलना असंभव है। जिन संतों को भगवान प्रत्यक्ष मिले हैं उनका शरीर अपना जैसा नहीं। सतत भक्ति से उनके शरीर भी कुछ दिव्य बन जाते हैं। आध्यात्मिक शरीर का सूक्ष्म शरीर का ही शरीर के साथ मिलन होता है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्व का बना हुआ है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण मन और बुद्धि। ये मन मरता है तभी सूक्ष्म शरीर मरता है। ये मन मरता है तभी भक्ति रस मिलता है। मन मरता है तभी मुक्ति मिलती है। शरीर मरने से मुक्ति नहीं मिलती। पूर्व जन्म के शरीर का नाश हो जाता है परंतु पूर्व जन्म के मन को लेकर के ये जीवात्मा आता है। जीवात्मा के साथ मन जाता है। मन मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। परमात्मा से तन से नहीं मन से मिलना। तीनों गुणों का उल्लंघन करके निर्गुण परमात्मा के साथ जो मन से संबंध जोड़ रखता है वही अत्रि है। मनुष्य तीनों गुणों में फंसा हुआ रहता है। दिन में रजोगुण में, रात्रि को तमोगुण में और भगवत जन में हृदय आर्द बने तब सत्गुण में। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण का वर्णन करने में तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। रामायण में इन तीनों गुणों का उदाहरण आया है। विचार करके देखो तो इन तीनों गुणों का स्वरूप ध्यान में आ जाएगा। भीषण सत्वगुण के स्वरूप है, रावण रजोगुण का स्वरूप है, कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप। कुंभकर्ण का चित्र कैसा है? मैं बहुत खाता है और सोया रहता है, निद्रा आलस्य, ये तमोगुण का धर्म है। कितने ही लोग रोज तो नहीं परंतु रविवार के दिन कुंभकर्ण जैसे हो जाते हैं। वे ऐसा समझते हैं कि रविवार तो छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन खूब खाना और खूब आराम करना चाहिए। अरे खूब खाने से और खूब आराम करने से तम और मन दोनों बिगड़ जाते हैं। जिसका समय निद्रा में, प्रमाद में और आलस्य में बहुत जाता है तो समझना कि यह सचमुच तमोगुणी है। आलस्य में मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य का आलस्य के समान कोई शत्रु नहीं है। इस यंत्र युग में लोगों की जब काम करने की इच्छा नहीं होती, बैठे रहना ही बहुत अच्छा लगता है। प्राचीन काल में सब मेहनत करते थे परंतु इस यंत्र युग में शक्ति का नाश हुआ। मनुष्य में आलस्य बढ़ गया। यंत्र से थोड़े समय में बहुत काम हो जाता है। लोग ऐसा समझते हैं कि हमको बहुत सुख भोगना चाहिए, मनुष्य को बहुत आराम मिले, वह ठीक नहीं। आराम मिले पीछे प्रभु का स्मरण नहीं करें, शक्ति भक्ति ना करें तो तन मन दोनों बिगड़ जाते हैं। बहुत आराम ना करो, परोपकार में शरीर को थकने दो। शीर थक ना जाए तब तक खाट पे ना मत पड़ो। 2-3 मिनट में ही निद्रा जाने का विश्वास हो तब भी खाट पर पड़ो। निद्रा ना आए तब तक सतत जप करो। निवृत्ति के समय खाट में पड़ने के पीछे तुमको जो सतत सुखाए उसमें ही तुम फंसे हो ऐसा मानना।
कितने ही जीव खाट पर पड़ने पर व्यापार के बारे में विचार करने लगते हैं, कितने ही खाट में पड़े पीछे कामांध बनते हैं। बहुत थोड़े भाग्यशाली जीव खाट में पड़े पीछे ईश्वर का स्मरण करते हैं। प्रभु के नाम का जप करते ही सो जाओ और ब्रह्म मुहूर्त में उठो, परंतु प्रभु के नाम का जप करते करते ही उठो तो तुम्हारी निद्रा भी भक्ति बन जाएगी। कुंभकर्ण तमोगुण का स्वरूप है। रावण कुंभकर्ण की अपेक्षा ठीक है। कुंभकर्ण तक खूब खाता है, बिना कुछ किए ही बैठा रहता है या ऊंघता रहता है और तनिक भी प्रवृत्ति करता नहीं। रावण आलस्य में ना तो सोता रहता है न फालतू बैठा रहता है, सारा दिन कुछ ना कुछ खटपट किया ही करता है, परंतु इसकी प्रवृत्ति बलहीन है। तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण ठीक है, परंतु रजोगुणी मनुष्य का मन चंचल होता है। काम और क्रोध रजोगुण के पुत्र हैं। काम ऐसा क्रोधा ऐसे रजोगुण सम उद्भव। रजोगुण मन में आए तो मन चंचल हो जाता है, बुद्धि ईश्वर से विमुख बने तो रजोगुण आ जाता है। रजोगुण मन को बहुत चंचल बनाता है। रजोगुणी को सच्चे सुख की खबर नहीं होती। शीर सुख और इंद्रियों सुख के लिए जो समस्त दिन प्रवृत्ति करे वह रजोगुणी। इस शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है, परंतु शरीर का सुख इंद्रियों का सुख ये तुम्हारा सुख नहीं। तुम शरीर से अलग हो। मनुष्य बोलता है मेरी आंख मेरी जीभ मेरा शरीर। ये शरीर जो दिखता है उसको देखने वाला शरीर ही अलग है। जड़ शरीर की इंद्रियों से चेतन आत्मा अलग है। आत्मा जो शीर से अलग है तो आत्मा का सुख भी शीर सुख से अलग होना चाहिए, परंतु अधिकांश भाग में मनुष्य समस्त दिवस शरीर के इंद्रियों के सुख में ही फंसा रहता है और इसलिए प्रवृत्ति करता है। रावण के 10 माथे थे, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों के सुख के लिए ही जो सतत प्रयत्न करता है वह रावण जैसे। इंद्रियों का सुख तो पशु और पक्षी भी भोगते हैं। मनुष्य को मिठाई खाने में जो मजा आता है वह मजा तो घास खाने में बैल को भी आता है। दोनों का मजा समान है। कितने ही गरीब लोगों को दुख होता है कि हमको कुछ सुख नहीं मिलता। बंगले में रहने वाले और मोटर में फिरने वाले बहुत सुख भोगते हैं। कोई विलासी ग्रस्त संसार का सुख बहुत भोगता हो उसे देख करके तुम किसी दिन हृदय नहीं जलाना। कोई मनुष्य संसार का सुख भोगता हो उसका चिंतन नहीं करना। इस मनुष्य की बुद्धि तो बिगड़ी हुई है, इसको सच्चे सुख की खबर नहीं और इसी से ये भुलावे में पड़ा है। परंतु अनेक बार लोग ऐसा समझते हैं कि ये जैसा सुख भोगता है ऐसा मुझको नहीं मिलता। इस श्रीमंत लोगों को मोटर में फिरते हुए बहुत मजा आता है, बंगले में रहता है, पलंग पर मखमल की गद्दी पे सोता है, इसलिए बहुत सुखी है। इस श्रीमान को पलंग में लौटते हुए जो मजा आता है वैसा मजा तो गधे को धूल पर लौटने में भी आता है। दोनों का मजा समान है। संसार के सभी मजे परिणाम में मोटी सजा देने वाले होते हैं। ये जीव अनेक जन्मों से और इस जन्म में भी संसार की सभी मौजों का अनुभव कर लेता है, परंतु फिर भी इसे शांति नहीं मिलती। ये जीव अनेक बार अनेक प्रकार की योनियों में पुरुष बनाया है तथा स्त्री भी बनाया है। हजारों जन्म से ये इंद्रिय सुख भोगता है परंतु इसकी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति भोग से होती भी नहीं, तृप्ति तो त्याग से होती है। संसार के विषय में आनंद खोजने वाला अधिक दुखी होता जाता है। आज सुख देने वाला पदार्थ कल दुखदायी सिद्ध होता है। जो सुख देता है वह दुख भी देता है।
संयोग से सुख होता है, परंतु क्या ये संयोग स्थिर रहता है? संयोग तो वियोग के लिए ही होता है। संयोग में जितना सुख होता है उससे हजार गुना दुख वियोग में होता है। एक दैवी जीव था, जन्म से ही उसको प्रभु भक्ति का रंग लग गया। घर में पुष्कल संपत्ति थी, उसका त्याग करके वह वृंदावन में जाकर के रहा। श्री राधा कृष्ण की सतत उपासना करता, सेवा समरण में दे अनुसंधान भूल जाता, सर्व इंद्रियों का संयम रख करके सतत भक्ति करता था, मुख पर दिव्य तेज विलसता था। एक बार कोई राजा रानी फिरते फिरते वहां आ पहुंचे। उस समय संतो वृक्ष के नीचे बैठ करके मानसिक सेवा कर रहे थे, परमात्मा को मन से रिझाते थे। 24-25 वर्ष की अवस्था थी, मुख के ऊपर दिव्य कांति थी। रानी को आश्चर्य हो कि इतना सुंदर युवक उघाड़े शीर बैठा है, सुंदर काया को घिस डाला है, युवावस्था को व्यर्थ कर रहा है। इसकी अपेक्षा तो ये बेचारा संसार सुख भोगे तो बहुत सुखी रहेगा। राजा को भी ये बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत आग्रह किया, मेरे राजमहल में चलो, तुमको संसार के सुख की कुछ खबर ही नहीं है। मेरी इच्छा है कि तुम संसार का सुख भोगो, आज से तुम मेरे भाई हो। अत्यंत आग्रह करके राजा संत को राजमहल में ले गया। उसको नहला धुला करके सुंदर कपड़े पहनाए, सुंदर भोजन कराया। महात्मा पहुंचा हुआ था, अंदर से भक्ति का पक्का रंग लगा हुआ था, पागल जैसा रहता था। राजा इसको समझाता था, तो संसार में आए हो परंतु कोई सुख भोगते नहीं, तुमका कुछ भी खबर नहीं, तुम यहीं पर सुख से रहो। तो महात्मा ने कहा, संसार में सुख भोगने वाले को दुख भी होता है, मुझे सुख दुख कुछ भी नहीं चाहिए। राजा ने कहा, तुमको कुछ भी दुख नहीं होना है, रानी जी की बहन के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा, अपना आधा राज्य तुमको दे दूंगा, फिर तुमको क्या दुख है? तो महात्मा ने पूछा, ये विवाह करने की बात तुम करते हो, परंतु संतान होगी उसका क्या होगा? राजा ने कहा, उसका कुछ नहीं, उसकी तुमको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, आधा राज्य तुमको मिल जाएगा, फिर किस बात की चिंता है? फिर भी तुमको ऐसा लगता हो तो उसके लालन पोषण करने की जवाबदारी मेरी, फिर और क्या? तुम्हारे स्वरूप को देख करके मुझे अतिशय आनंद होता है, संसार में आए हो तो सुख भोगो, कुछ भी कष्ट नहीं आवेगा, मैं समस्त व्यवस्था कर दूंगा। महात्मा ने कहा, तुम सब व्यवस्था तो कर दोगे, सुख भी दे दोगे, परंतु संतान होने के बाद कदाचित मर जाए तो? संतान मर जाए उसका दुख तुमको होगा कि मुझको? राजा को कहना पड़ा कि वह दुख तो मुझको नहीं तुमको ही होना है। तो महात्मा ने कहा, तो फिर मुझे ऐसा सुख चाहिए नहीं, मैं वृंदावन में श्री राम जी की सेवा करता था, यही योग्य था। महात्मा फिर राजमहल को छोड़ करके चलता बना। जो सुख भोगता है उसकी इच्छा से अथवा अनिच्छा से दुख भोगना ही पड़ता है। संसार में आनंद कहाँ है? संसार तो दुख का समुद्र है। संसार में प्रत्येक जीव दुखी है। कबीर जी ने कहा, जो देखा सो दुखिया देखा, मन धरी सुखी न देखा, उदे अस्त की बात कहत हो, ताकर करो विवेका, बाट बाट सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तापस को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घर व्यापे, कोई महल नहीं सूना। संसार के सुख की आशा तृष्णा जीव को बहुत दुखी करती है। भाव की भूख ही मोटा दुख है, शांति उसकी कायम रहती है जिसका मन प्रभु के चरणों में रहता है।
शांति उसकी कायम रहती है जो अंदर से ईश्वर का अनुसंधान रखता है। ईश्वर से जो दूर है उसकी शांति कैसी? कुछ भी सुख भोगना नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय करके संसार के विषय भोगों से विमुख रहने वाले को ही सच्चा आनंद, सच्ची शांति प्राप्त होती है। आत्मा के स्वरूप में जो स्थित रहता है उसे ही स्थिर शांति और आनंद का अनुभव मिलता है। एक एक इंद्रिय के सुख में जिसका मन फंसा हुआ है, जो आंख के सुख के लिए, कान के सुख के लिए, जीभ के सुख के लिए, प्रत्येक इंद्रिय के सुख के लिए प्रवृत्ति करता है, वह रावण है। ऐसे मनुष्य को सच्चे सुख की खबर ही नहीं। रावण ज्ञानी था, फिर भी उसकी गणना राक्षसों में हुई है। ब्राह्मण होने पर भी गिनती राक्षसों में हुई है। रावण ब्राह्मण था, तपस्वी था, ज्ञानी था, परंतु तो इंद्रिय सुख में ही जिसका मन फंसा हुआ है, वह ब्राह्मण हो या ज्ञानी हो, राक्षस जैसा ही है। वेदांत की और ब्रह्म ज्ञान की बातें करे और प्रेम सागर के विषय के साथ रहे, वह राक्षस जैसा ही है। रावण रजोगुण का स्वरूप है, विभीषण सत्वगुण के स्वरूप है। रावण की लंका में सत्वगुणी केवल विभीषण ही थे। विभीषण की कथा आगे आएगी। श्री हनुमान जी महाराज समस्त लंका जलाते हैं, परंतु विभीषण का घर छोड़ देते हैं। विभीषण राम जी के परम भक्त हैं, सत्वगुण के मूर्ति मंत्र स्वरूप हैं। राक्षस वंश में जन्म होने पर भी विभीषण जी परमात्मा की भक्ति में और धर्म पालन में जीवन व्यतीत करते हैं। धर्म के लिए उन्होंने घर का, कुटुंब का, सगे स्नेहियों का और वतन का भी त्याग कर दिया। विभीषण जी सत्वगुणी होने पर भी सत्वगुण का तनिक भी अभिमान नहीं करते, ये तो स्वयं को अधमी मानते हैं। राम जी की शरण में गए उस समय भी विभीषण यही कहते हैं, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलोक ही तम पर नेहा। मैं निशिचर अति अधम स्वभाऊं, शुभ आचरणों की ना नहीं काऊं। महाराज मैं तो राक्षस वंश में जन्मा हूं, स्वभाव से पापी हूं, अधम हूं, तामसी हूं, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, मुझसे कोई साधन नहीं हुआ। विभीषण जी रात दिन राम जी का स्मरण करते हैं, फिर भी कहते हैं मैं कोई साधन नहीं करता। विभीषण में अतिशय धन्य है, अभिमान का लेश भी नहीं है। ऐसे तो रावण ने भी कोई कम तपश्चर्या नहीं की, परंतु उसके पीछे दीनता नहीं थी, भरपूर अहंकार था और भोग की लालसा थी। अभिमान तप को, भक्ति को छिन्न भिन्न करता है। कितने ही लोग जो भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, वे ऐसा समझते हैं कि दूसरे लोगों की अपेक्षा में बहुत श्रेष्ठ। जगत में बहुत जीव बहिर्मुख हैं, दुष्ट हैं, मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। क्या धर्म की भी तुच्छ समझने के लिए है? क्या भक्ति किसी को छोटा समझने के लिए है? धर्म और भक्ति का लक्ष्य तो ये है कि मन से सब में भगवत भाव दृढ़ करना। सब में भगवान जी के दर्शन करने के लिए धर्म और भक्ति है। धर्म और भक्ति हृदय में दीनता लाने के लिए है। जहाँ नजर जाए वहाँ ईश्वर का दर्शन हो, उसका नाम दीनता। प्रभु को प्रसन्न करने का साधन दीनता है। भगवान जी को राजी करने के लिए भक्तों का एकमात्र साधन दैन्य ही है। प्रभु को दीनता अच्छी लगती है। मानव जब तक हृदय से दीन बनता नहीं, तब तक वह ईश्वर को अच्छा नहीं लगता। अनेक बार मनुष्य दुख में तो
दीन बनता है, परंतु वही मानव यदि बहुत सुखी हो तो अभिमानी भी हो जाता है। दुख में दैन्य आवे, ये दैन्य सच्चा नहीं, सुख में दैन्य आवे सो ही सच्चा दैन्य है। भक्ति का सिंहासन दीनता है। किसी भी जीव को छोटा गिने उसकी भगवत भक्ति सिद्ध नहीं होती। किसी भी जीव को छोटा मानोगे तो हृदय शुद्ध नहीं होगा। जीव खूब नम्र बने और साधन करे तो वह ईश्वर को अच्छा लगता है, ईश्वर उसके ऊपर कृपा करते हैं। जो निस्साधन बन करके भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है। निस्साधन बनना अर्थात साधन बहुत करना, फिर भी मेरे हाथों से कुछ भी नहीं होता ऐसा मानना निराभिमानी बनना है। अनेक बार ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य साधन करता है अर्थात उसमें साधन का अभिमान बढ़ने लगता है और इस कारण उसका पतन हो जाता है। सधर्म का पालन करने वाला, परमात्मा की भक्ति करने वाला कोई ऐसा मानता हो कि मैं श्रेष्ठ हूं और दूसरा छोटा है, ये उसकी भूल है। साधन किए पीछे मैं अर्थात अहम बड़े किसी जीव के लिए मन में कुभाव आवे, कितनी जीव का थोड़ा भी तिरस्कार करने की वृत्ति आवे तो ठाकुर जी को इसकी सेवा अच्छी नहीं लगती। एक गृहस्थ के घर दो पुत्र थे। एक पुत्र सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करता और सेवा पूजा करता, दूसरे पुत्र का संग ठीक नहीं था। मैं सुबह 6-7 बजे उठता, सिरे 4 बजे उठ करके सेवा पूजा करने वाला पुत्र मन में ठसक रखता कि मैं बहुत चतुर हूँ। एक दिन इसने बाप से कहा कि तुम्हारे दूसरे पुत्र को क्या कुछ अकल है, वह अभी खाट पर पड़ा सो रहा है, कैसा मूर्ख है। बाप ने कहा, भले वह मूर्ख होगा परंतु किसी की निंदा नहीं करता, खाट पर सोता रहता है उतना ठीक है, तू जा करके इसकी निंदा करता है, इसके लिए मन में कुभाव रखता है। किसी व्यक्ति का पाप मन में नहीं रखना, नहीं तो उस व्यक्ति के प्रति कुभाव रहेगा। दूसरे के पापों का विचार करना भी पाप है। दूसरे के पाप की सुनते ही उसको विवेक रूपी अग्नि में जला डालो। जगत के किसी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने जैसे। सब भूतों में से, सब पदार्थों में से द्रोह का त्याग करो। जीव तो क्या, बल्कि किसी जड़ वस्तु से भी द्रोह मत करो। सबके प्रति समभाव रखो। सब में सद्भाव समभाव रखने वाले के मन में अभिमान नहीं आता। काम भी नहीं आता। विकार वासना और अहंकार का भाव न रखें और साधन करें तो वह सफल होता है। सब में ईश्वर का भाव रखना, अनेक में एक के दर्शन करना तप है, यही ज्ञान है। ज्ञानी का लक्षण यह है कि उससे किसी को भी उद्वेग और अशांति ना हो। जो प्रतिशन सावधान है वह संत है। वैष्णव संत सब काल में सावधान होते हैं कि मेरे अहंकार से किसी को दुख ना हो। किसी भी के भी कुछ कुभाव रखना अर्थात मन को अतिशय बिगाड़ना, भक्ति में मन मुख्य है। किसी भी जीव अथवा जड़ वस्तु के लिए मन में कुभाव आवे तो भक्ति में आनंद नहीं आता। सत्वगुण ठीक है परंतु सत्वगुण का अभिमान बहुत खराब है। अनेक बार सत्वगुणियों का भी पतन होता है। इन तीन गुणों का जो उल्लंघन करे उसको अत्रि कहते हैं। अत्रि वह है जो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित रहता है। तमोगुण का नाश रजगुण से होता है, रजगुण का नाश सत्वगुण से। गीता जी में प्रभु जी ने आज्ञा की है
सत्कर्म से सतगुण बढ़ता है, सतगुण शुद्ध आहार, शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से बढ़ता है। सतगुण बढ़ता है संयम से, सदाचार से। सतगुण बढ़ने से ज्ञान स्फुरन होता है, फिर भी सतगुण भी बंधन करता है, इसमें थोड़ा अहम भाव रह जाता है। सतगुण में जो अभिमान आता है, उस अभिमान का नाश सतत भगवत स्मरण से करना। सतगुण को सतगुण से भरना है। सतगुणी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं सत्कर्म करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ। भक्ति सहज होनी चाहिए, भक्ति करने का उसको व्यसन होना चाहिए। जब इसमें ऐसा भाव आता है कि दूसरा भक्ति करता है कि नहीं, ये देखने की मुझको क्या जरूरत है, तभी अभिमान मरता है। अंत में सतगुण का भी त्याग करना है और निर्गुणी होना है। अति ऋषि त्रिगुणातीत थे। तीन गुणों को लांग करके निर्गुण ब्राह्मी स्थिति में जो कायम रहता है, परमात्मा को जो सतत मन से मिलता है, वही अत्रि ऋषि है। त्रिगुणातीत ब्रह्म स्वरूप को जो प्राप्त हुआ है वह अत्रि है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जगत को जब बोध देते हैं, तब ज्ञान मुद्रा करते हैं। अंगूठे के पास की उंगली को तर्जनी कहते हैं। अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों का संयोग है, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने ज्ञान मुद्रा का वर्णन दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में किया है। अंगूठा ब्रह्म है, छिंगुनी उंगली सत्गुण है, नामिका उंगली ही रजोगुण है, सबसे बड़ी जो उंगली है वह तमोगुण है। तर्जनी जीव स्वरूप है, जीव की भी प्रतीक है, जीव में अभिमान रहता है और इसी से संस्कृत भाषा में इसको तर्जनी कहते हैं। पीछे के वैर को याद करके किसी का बदला लेने की इच्छा हो तो छिंगुनी उंगली आगे नहीं आएगी, अंगूठा भी आगे नहीं आएगा, तर्जनी भी आगे जाएगी और ऐसा कहेगा कि समय आने दो, पीछे इसको देख लूंगा। इस उंगली में अभिमान है, इस उंगली से तिलक नहीं होता है। माला करने को बैठो तो इस उंगली का माला से स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस उंगली में अभिमान है, ये जीव स्वरूप है। ये जीव तीन गुणों से मिलता है। इस जीव में सत्गुण बहुत कम है। सुबह घंटे दो घंटे भगवत सेवा स्मरण करने में थोड़ा हृदय पिघलता है, तब जीव सत्गुणी में होता है। बाकी समस्त दिवस ये अधिकांश भाग में रजोगुण में होता है। रात्रि के समय तमोगुण में जाता है। इस प्रकार ये जीव तीन गुणों में मिलता है। इन तीन गुणों का संबंध छोड़ करके अंगूठा जो ब्रह्म का प्रतीक है, उस ब्रह्म के साथ मन से सतत संबंध जोड़ो। ब्रह्म संबंध को सतत टिकाए रखें, वह अत्रि बनता है। ब्रह्म संबंध करना कठिन नहीं, ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना कठिन है। तुम जितने समय कथा सुनो, जितने समय प्रभु के नाम का जप करो, उतने समय तो कुछ अंश में तुम्हारा ब्रह्म संबंध होता है, परंतु यहाँ से घर के पीछे जीमने बैठोगे तब तुम्हारा ब्रह्म संबंध रहेगा कि नहीं, इसकी शंका है। कितने ही तो कड़ी में तन्मय हो जाते हैं और कड़ी के साथ ही संबंध करते हैं। कड़ी पीने में इनको घोट घोट पर ब्रह्मानंद मिलता है। भोजन करना बुरा नहीं, परंतु भोजन करते समय भगवान जी को भूलोगे तो वह अन्न मन को बिगाड़ता।
भगवान जी का स्मरण करते करते भोजन करो, भगवान जी को ऐसा कह करके भोजन करो कि ये अपना प्रसाद कृपा करके आपने ही मुझे दिया है, इस अन्न के पेट में जाने के बाद मेरा मन नहीं बिगड़े, मैं सतत आपकी भक्ति करूं। ब्रह्म संबंध को सतत टिकाए रखो, सावधान रहो कि फिर से माया के साथ संबंध नहीं रहे। ब्रह्म संबंध होता है तब बंधन टूटते हैं, परंतु ब्रह्म संबंध छोड़ करके माया के साथ संबंध करो तो फिर से बंधन आता है। सतत ब्रह्म संबंध करोगे तो तुम भी ब्रह्म स्वरूप होगे। आपने ठाकुर जी के साथ एक रूप होकर के सेवा करो, ईश्वर के साथ एक होना, ईश्वर जैसा बनना, इसका आशय क्या? अपनी इच्छा को भगवत इच्छा में मिला देना, अपनी इच्छा और भगवत इच्छा को एक बना देना। घर में लाभ हो तो भी भगवत इच्छा, और नुकसान हो तो भी भगवत इच्छा, सुख आवे तो भी भगवत इच्छा और दुख आवे तो भी भगवत इच्छा, मान मिले तो भी भगवत इच्छा और अपमान मिले तो भी भगवत इच्छा, लोग प्रशंसा करते हैं तो भी भगवत इच्छा और निंदा करते हैं तो भी भगवत इच्छा। मनुष्य की धारणा से कुछ नहीं होता, धारणा तो धनी की होती है, जो कुछ बनता है वह भगवत इच्छा से बनता है, ऐसा समझ करके जीवन में संभव हो वहां तक विपरीत प्रसंगों में भी धैर्य रखता है, जो स्वस्थ रहता है, जिसमें विषमता अथवा कुभाव नहीं आता वह गुणातीत कहलाता है। भगवत इच्छा में जीव जब स्वयं की इच्छा को मिला देता है तभी यह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, ईश्वर के साथ एक रूप होता है। ईश्वर के साथ जो सतत एक रूप रहता है वही अत्री है। जीव अत्री हो तो इसकी बुद्धि अनसुईया बने, अनसुईया रहित बुद्धि अनसुईया। अत्री ऋषि की पत्नी का नाम था अनसुईया, जिसमें असुईया नहीं, ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं, उसको अनसुईया कहते हैं। किसी की प्रशंसा सुनकर के थोड़ा भी डाह हो ये असुईया है। किसी को बहुत सुख मिले, संपत्ति मिले, किसी को देखकर मन में थोड़ी भी ईर्ष्या भाव जागे, उसको असुईया कहते हैं। असुईया से बुद्धि बिगड़ती है। सतत ऐसा भाव रखो कि किसी भी जीव का दुख मेरा दुख है, इसका सुख मेरा सुख है, किसी को भी सुखी देख करके राजा हो परंतु किसी को दुखी हो करके राजी होना नहीं। बुद्धि का बड़े से बड़ा दोष असूया है, मत्सर है, दूसरों को अच्छा देख करके जले वही असूया है, वही मत्सर है। मत्सर करने वाले का ये लोक तथा परलोक दोनों बिगड़ते हैं। असूया ईश्वर के मार्ग में जाने में खूब विघ्न करती है। असूया ज्ञान शक्ति के विकास में अवरोधक है। बुद्धि में जब तक असूया होगी तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकोगी। मन में असूया नहीं रखना, मन में रहने वाली असूया को निकालोगे तो परमात्मा का स्वरूप मन में आएगा। सब में भगवान जी के दर्शन करो, सब में ब्रह्म का दर्शन करो, तब ही ईश्वर के साथ सतत संबंध टिकेगा। बुद्धि अनसुईया बनती है तब वह ईश्वर के साथ सतत संबंध टिका सकती। मनुष्य की उन्नति में विघ्न करने वाला मत्सर है। मत्सर की ही बहन असुईया है। असुईया में और मत्सर में कुछ विशेष अंतर नहीं है। एक बार एक ब्राह्मण राजा के दरबार में मांगने गया। उसने राजा से कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, आपको योग्य लगे वह कुछ दो।
राजा को देने की इच्छा तो हुई, परंतु उसने पहले इस ब्राह्मण की थोड़ी परीक्षा करने का विचार किया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, महाराज मैं पूछूं जवाब दोगे? तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं, परंतु मैं अपने भगवान जी को याद करके जो वे मुझे सुझाएंगे वह जवाब दे दूंगा। राजा ने पूछा, महाराज तुम्हारे सब शेर पर बाल दिखते हैं, परंतु तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? इसका जवाब दो। सब शेर पर बाल हैं और हथेली में बाल क्यों नहीं? इसका जवाब क्या दें? ब्राह्मण बहुत पढ़ा नहीं था परंतु भोला था। उसने भगवान जी का स्मरण किया, उन भगवान ने ही उनकी बुद्धि दी। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि महाराज मैं रोज दान लेता रहता हूं, इसी से मेरी हथेली में बाल नहीं रहे। राजा ने कहा, तुम दान लेते हो परंतु मैं कुछ दान लेता नहीं, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? तो ब्राह्मण ने प्रभु का स्मरण करके जवाब दिया कि तुम रोज दान देते हो, इससे तुम्हारी हथेली में बाल नहीं रहे। तुम दान देते हो इस कारण तुम्हारी हथेली में बाल नहीं है, और मैं दान लेता हूं इसलिए मेरी हथेली में बाल नहीं। राजा ने कहा, महाराज तुम बोलते तो वह ठीक है, परंतु इस दरबार में जितने पुरुष बैठे हैं तथा ये सब सिपाही लोग हैं, ये लोग ना तो दान देते हैं ना दान लेते हैं, तो फिर इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? तो ब्राह्मण ने कहा, ये तो ऐसा है महाराज कि तुम मुझको दान देते हो, वह इन लोगों से देखा जाता नहीं है, सहन होता नहीं है, ये बैठे हाथ के ऊपर हाथ घिसा करते हैं, इसलिए इनकी हथेली में बाल नहीं। मनुष्य की बुद्धि में जब तक असूया है, भाई के लिए, मित्र के लिए, अरे जगत के लिए भी, जीव के प्रति जब तक असूया है, तब तक बुद्धि में भगवत प्रवेश नहीं होता। अनसूया के साथ अत्रि का संबंध होता है, जीव अत्रि बने तो उसकी बुद्धि अनसूया बनती। अनसूया महान पतिव्रता थी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को उन्होंने बालक बना दिया था। ये सब कथा बहुत दिव्य है। एक समय देव ऋषि नारद जी के लाश पर पधारे, शिव जी उस समय समाधि में बैठे थे। पार्वती जी ने नारद जी का सत्कार किया, उनका पूजन किया और पीछे प्रसाद दिया। तब नारद जी ने कहा, आज तुम्हारे हाथ का प्रसाद मिला, ये लड्डू बहुत सरस है, परंतु लड्डू तो अनसुईया के घर के जैसा श्रेष्ठ होता है, वैसा लड्डू अभी तक दूसरी जगह मैंने नहीं देखा। पार्वती जी ने पूछा, ये अनसुईया भला कौन है? तो नारद जी ने कहा, तुम पतिव्रता हो परंतु अनसुईया महान प्रतिव्रता है। पार्वती जी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि मुझसे अनसुईया अधिक है। शिवजी समाधि में से जगे तो पार्वती जी ने वंदन किया, घर का आदमी बहुत वंदन करे, बहुत सेवा करे तो जानना कि कुछ गड्ढे में उतरने की तैयारी। शिवजी ने पूछा, देवी क्या है? तो पार्वती जी ने नारद जी की सब कथा सुनाने के बाद आगे कहा, किसी भी प्रकार से अनसुईया के पतिव्रत का भंग हो ऐसा कर। तो शिवजी ने कहा, देवी इसमें कल्याण नहीं होगा। परंतु पार्वती जी ने बहुत अर्थ किया। तब शिव जी ने कहा, यदि तुम्हारी बहुत इच्छा है तो प्रयत्न करूंगा। इधर नारद जी कैलाश से निकल करके बैकुंठ को गए, वहां लक्ष्मी जी से मिले। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, आज क्या बात है जिससे इतने अधिक आनंद में हो रहे हो नारद जी? तो नारद जी ने थस से कहा, बैकुंठ की महिमा पहले थी परंतु इस समय तो अनसुईया का आश्रम छोड़ करके दूसरे स्थान पर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, मैं वहीं से आया हूं इसलिए बहुत आनंद में हूं। लक्ष्मी जी को आश्चर्य हुआ,
अनसुईया कौन है ऐसा पूछा तो नारद जी ने कहा, अरे अनसुईया को कौन नहीं पहचानता, वे तो महान पतिव्रता हैं, ना भूतो ना भविष्यति। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा, आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे अनसुईया के पतिव्रत्य का भंग हो। नारद जी वहां से ब्राह्मणी के घर के ब्रह्माणी के घर गए तो उनकी बात सुनकर ब्रह्माणी को भी ईर्ष्या हुई। उनने ब्रह्मा जी से विनती की, पार्थी जी अर्थात बुद्धि, बुद्धि अर्थात विद्या में मत्सर है, लक्ष्मी जी अर्थात द्रव्य में मत्सर है, ब्रह्माणी अर्थात रजगुण में मत्सर है, ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे मिलकर के चित्रकूट में अनसुईया के आश्रम में के भिक्षां देहि कहकर के खड़े रहे। अनसुईया भिक्षा देने लगी। उस समय देवों ने कहा, तुम नग्न होकर के भिक्षा दो तो हम लेंगे। तो अनसुईया विचार में पड़े कि नग्न होकर भिक्षा दो तो मेरा पातिव्रत्य भंग हो जाएगा, भिक्षा ना दूं तो द्वार पर आए अतिथि वापस जाते हैं, दोनों प्रकार से पाप लगता है। तब वो नग्न होकर के भिक्षा देने की मांग करते हैं, इसका अर्थ कि वैष्णव मुझको वासना रहित होकर के भिक्षा दे। ईश्वर को सब वस्तु वासना रहित होकर के निष्काम होकर के अर्पण करनी होती है। अनसुईया के मन में कोई वासना नहीं थी, मन में जो सूक्ष्म वासना भी रही होती तो ये तीनों देवता आते नहीं। अनसुईया ने ध्यान किया और तीनों देवताओं के ऊपर जल छिड़का, उससे तीनों ही बालक बन गए। पातिव्रत्य में ऐसी शक्ति है। बहुत समय होने पर देवता वापस नहीं लौटे, तब पार्थ जी लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी अपने पति देवों को ढूंढने निकली, तीनों नारद जी से मिली। देवियों ने नारद जी से पूछा कि तुमको कुछ खबर है कि हमारे पति देव कहाँ हैं? तो नारद जी ने कहा, पहले ये बतलाओ कि कौन बड़ा है, तुम के अनसुईया? देवियों ने स्वीकार किया कि अनसुईया बड़ी है। पीछे नारद जी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पतिदेव बालक बने हुए हैं और अनसुईया के घर में हैं। देवियां घबराने लगी कि वहां जाएं और कदाचित अनसुईया भी शाप दे दे तो? तो नारद जी ने कहा, तुम भले ही मत्सर करो परंतु अनसुईया जी मत्सर करने वाली नहीं। अनसुईया जी तुम्हारे पति सद्भाव रखेगी। देवियां चित्रकूट में अत्रि ऋषि के आश्रम में गई। पीछे तो अनसुईया जी ने देवों से प्रतिज्ञा कराई कि किसी पतिव्रता को कभी त्रास देना नहीं। इसके बाद तीनों बालकों के ऊपर जल छिड़का, तीनों महादेव प्रकट हुए। उन्होंने अनसुईया जी से कहा, तुम्हारे आंगन में हम बालक बन करके खेले हैं, ऐसा सुख तुमको स्थिर रूप से देते हैं। इन तीनों देवताओं का तेज एकत्रित हुआ और गुरु दत्तात्रेय अत्रि अनसुईया जी के यहां पुत्र रूप में प्रकट हुई। अत्रि ऋषि अनसुईया जी के साथ गंगा किनारे चित्रकूट में परमात्मा की आराधना करते थे। वहीं श्री सीताराम भी लक्ष्मण के साथ पधारे। परम आनंद हुआ। अत्रि ऋषि उठकर के खड़े हुए। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का स्वागत किया, कंद मूल फल अर्पण किए। फिर अत्यंत प्रसन्नता से ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा, आज मेरी तपश्चर्या सफल हुई, तुम्हारे दर्शन से ही आंख सफल होती है। श्री राम दर्शन बिना आंख सफल नहीं होती, आंख जगत को देखने के लिए नहीं, आंख श्री राम का दर्शन करने के लिए। आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की, आज तक तो मैं अंदर आपके दर्शन करता था परंतु आज तो मैं आपको प्रत्यक्ष बाहर देख रहा हूं।
ज्ञान मार्ग में भगवान चरम चक्षुओं से देखते नहीं, जो आंखों को देखने की शक्ति देते हैं उनको आंखें देख सकती नहीं, जो सबके दृष्टा हैं वे दृश्य बन करके बन सकते नहीं। ज्ञानी पुरुष अंदर की आंखों से भगवान जी को देखते हैं। तुमको स्वप्न दिखता है, क्या वह चरम चक्षुओं से दिखता है? स्वप्न जो दिखता है वह अंदर की आंखों से दिखता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान जी को ज्ञान चक्षु से देखते हैं। परंतु भक्ति में ऐसी शक्ति है कि भगवान चरम चक्षु से भी देख लेते हैं, चरम चक्षु से देख जाते हैं। भक्ति दृष्टा को दृश्य बना सकती है। प्रभु प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई गोपियां उघड़ी आंखों से ब्रह्म चिंतन कर सकी थी और चरम चक्षु से प्रत्यक्ष दर्शन पा सकी थी। जिसको उघड़ी आंखों से जगत दिखाई पड़ता है उसे ब्रह्म का चिंतन करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। चरम चक्षु बंद करने पड़ते हैं और वह अंदर की आंख से ज्ञान चक्षु से परमात्मा की अप्रोक्ष अनुभूति करने का प्रयास करता है। परंतु प्रेम रूपा गोपियों को तो खुली आंखों से भगवान जी के दर्शन होते थे। अत्रि ऋषि ने रामचंद्र जी से कहा, आज मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं, आज मैं कृतार्थ हुआ हूं, आपका मंगलमय स्वरूप मेरे हृदय में स्थिर हो, ऐसी कृपा करो। पीछे कहा, अंदर अनसुईया जी बैठी हैं, महान तपस्विनी हैं, पतिव्रता हैं, वयोवृद्धा हैं, श्री सीता जी अंदर जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। तो अनसुईया जी के दर्शन करने श्री सीता जी अंदर पधारी। अनसुईया माता को वंदन किया, अनसुईया ने आशीर्वाद दिया। श्री सीता जी को बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, राम जी के पीछे पीछे तुम वन में आई, ये बहुत ठीक किया। इसी का ये धर्म है, पति उसके लिए परमात्मा है। जिस स्त्री को पति में परमात्मा दिखते नहीं, उसको किसी मंदिर में या मूर्ति में भगवान जी के दर्शन नहीं होते। जो स्त्री पति की आज्ञा ना माने उसकी भक्ति व्यर्थ जाती है। पति को जिमाने के पहले जो स्त्री जिमती है उसको बहुत पाप लगता है। पति भोजन ना करे तो पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि भोजन नहीं करे। पति के घर में सुख संपत्ति हो और स्त्री पति के साथ प्रेम करे, इसमें कुछ आचार्य नहीं। परंतु घर में खाने को ना हो, पहनने को कपड़े की पूर्ति ना हो और पति से प्रेम करे, वह महान पतिव्रता है। कितने ही तो जरा दुख आ पड़े तो पति का अपमान करती कि तुम में सामर्थ नहीं थी तो फिर विवाह का क्या काम था, मेरी जिंदगी बिगाड़ने की क्या आवश्यकता है। पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो अथवा अपंग हो, क्रोधी हो, अति दरिद्री हो, फिर भी पति में परमेश्वर का भाव रख करके उसकी सेवा करें, वह पत्नी धन्य है। पति में भगवत भाव रख करके पति देव की सेवा करने वाली स्त्री के ये लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। अनसुईया जी ने श्री सीता जी को पतिव्रता धर्म समझाया। पतिव्रता स्त्री परमात्मा को भी वश में कर सकती है। पतिव्रता के तीन भेद बताए हैं, उत्तम के अस बस मन माही, सपनेहू आन पुरुष जग नाही, मध्यम परपति देखी कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समझी कुल रही, सो निष्कृष्ट त्रिय अस श्रुति कही। उत्तम पतिव्रता स्त्री वे है
जो स्वप्न में भी किसी पुरुष का विचार नहीं करती। मध्यम पतिव्रता स्त्री पर पुरुष को पिता, भाई अथवा पुत्र के समान देखती है। तीसरे प्रकार की जो निष्क्रिय पतिव्रता स्त्री है, वह स्वयं के धर्म और कुल की मर्यादा को समझ करके पति निष्ठ रहती है। पीछे तो अनसुईया ने श्री सीता जी को दो दिव्य कुंडल दिए और दो दिव्य वस्त्र दिए। ये ऐसे दिव्य वस्त्र थे कि जो किसी दिन भी नहीं बिगड़ते, स्नान करने पर भी गीले नहीं होते। भविष्य के लिए ही ये तैयारी थी। पीछे जब श्री सीता जी लंका में शोक वन में थी, तब ये वस्त्र इनको बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। दिव्य वस्त्र और दिव्य अंगराग अनसुईया ने श्री सीता जी को अर्पण किया। भागवत में चीर हरण के प्रसंग में भगवान जी ने भी गोपियों को दिव्य वस्त्र दिए हैं। सखियों के साथ गोपियां जल में खेलती हैं, तब भी वस्त्र नहीं भीगते। सगे संबंधियों के साथ संसार में रहती हैं, परंतु तो संसार में लिप्त होती नहीं। लौकिक वासना रूपी वस्त्र का हरण करके परमात्मा ने अलौकिक वासना का दान किया। प्रभु में पूर्ण आसक्ति ही अलौकिक वासना है। अनसुईया ने श्री सीता जी को अनेक आशीर्वाद दिए। जानकी, तुम पतिव्रत्य का पालन करते हुए सदा राम जी की छाया बन करके रहना। रघुनाथ जी तुम्हारे साथ कुशल क्षेम से घर वापस पधारेंगे, ऐसा मेरे अंतर का आशीर्वाद है। श्री रामचंद्र जी ने अति ऋषि से कहा कि महाराज, हमको रास्ता बताओ, मार्गदर्शन देने वाले कोई ऋषि कुमार हमको साथ दो। तब अत्रि ऋषि ने हंस करके जवाब दिया कि जगत को मार्गदर्शन आप कराते हैं, तुमको कौन मार्गदर्शन करा सकता है। ऋषि ने चार शिष्यों को आज्ञा की। ये शिष्य अत्रि ऋषि के सेवक थे। वे रघुनाथ जी को रास्ता बताने के लिए साथ में चले। रास्ते में विराध नाम का एक राक्षस आया। उस राक्षस का प्रभु ने वध किया, विराध का उद्धार हुआ। पूर्व जन्म में विशाल एक विद्याधर था और दुर्वासा ऋषि के शाप से राक्षस हुआ था। राम जी के द्वारा उद्धार होते समय विद्याधर ने राम जी की सुंदर स्तुति की। आपके चनार विंद का स्मरण संसार बंधन को दूर करता है। आप मेरे ऊपर कृपा करो, अब से आपके चरणार विंद का मुझको निरंतर स्मरण रहे। मेरी वाणी सदा सर्वदा आपका नाम संकीर्तन करती रहे। मेरे कान हमेशा आपके कथा रूपी अमृत का पान करते रहें। मेरे हाथ आपके चरण कमलों की पूजा करते रहें और मेरा मस्तक सदा आपके चरण कमलों में प्रणाम करता रहे। जय श्री राम जी।